बहुत दिनों से हम लोग फिजिकल साइंस नहीं पढ़े हैं, तो मैं सोचा थोड़ा सा आज फिजिकल साइंस पढ़ा दूं तुम लोगों को। ठीक है, तो फिजिकल साइंस में हम लोग जहाँ तक मेरे को पता है 8.1 और 8.2 उधर कर लिए, इधर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर लिए। तो मैं थोड़ा सा सिलेबस आगे पढ़ा दे रहा हूँ, लाइट पढ़ाने के बाद मैं चैप्टर 2 फिर से पढ़ा दूंगा, क्योंकि चैप्टर 2 पूरा नहीं ख़त्म कर पाया था, तो इसीलिए थोड़ा सा देखो। तो सबसे पहले थोड़ा सा लाइट पढ़ने से पहले हमको लाइट के बारे में कुछ आइडिया देना है। तो आइडिया कुछ क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। तो लाइट का कुछ खासियत ये है, कुछ वेव के बारे में जान लेते हैं। हम लोग वेव नाम का एक चीज़ क्लास 9 में पढ़े थे। वेव क्या होता है, वेव को हिंदी में बोलते हैं तरंग। तो हम लोग क्लास 9 में दो तरह का तरंग पढ़े थे, एक का नाम था मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग, और दूसरा का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव है कौन, हम लोग देखे थे साउंड, ठीक है। साउंड क्या है, एक तरह का मैकेनिकल वेव है, लेकिन लाइट, LIGHT, लाइट प्रकाश, ठीक है, इसको बोलते हैं ध्वनि, और ये तुम्हारा हो गया प्रकाश, ठीक है। तो ये प्रकाश और ध्वनि, तो ध्वनि एक मैकेनिकल वेव है, इसीलिए ये क्या होता है निर्वात, निर्वात, या इसको बोलते हैं वैक्यूम में नहीं जा सकता, मैंने ट्रैवल नहीं कर सकता। ट्रैवल को मैं क्या बोलूं हिंदी में, गमन, हाँ मैं गमन नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है, इसको चलने के लिए हमेशा मीडियम पार्टिकल होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है वैक्यूम में चल सकता है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो सन है, ये जो सन है, सन है, ठीक है, ये क्या है सन। तो सूर्य से हमको जो रोशनी मिलता है, यहाँ पर बहुत सारा वैक्यूम है, तो यहाँ पर बहुत सारा ग्रह उपग्रह, तो यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट वैक्यूम है, लेकिन हमको जैसे मान लो अर्थ, अर्थ पे हम लोगों को सनलाइट मिलता है, सन का लाइट मिलता है, तो इधर बीच में क्या है वैक्यूम। तो सन का लाइट हम लोगों का अर्थ तक इसीलिए आ पाता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण वैक्यूम में गमन करता है। और इसका क्या होता है, इसका जैसे मैकेनिकल वेव होगा वो घना, घना या सघन उसको बोलते हैं, सघन माध्यम में क्या होता है वेग तीव्र, ठीक है। और इसमें क्या होता है सघन में वेग कम तथा विरल, विरल मतलब होता है जिस माध्यम में जितना कम पार्टिकल है, और सबसे विरल होता है वैक्यूम में अधिक, अधिक या तीव्र, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, तो लाइट में क्या क्या खासियत है, लाइट वैक्यूम में गमन कर सकता है, सघन माध्यम में इसका वेग कम होता है, माने घना माध्यम में जैसे लोहा, कांच, पानी, ये सब में कम होता है, ठीक है। लोहा में तो ना के बराबर होता है, लेकिन जितना घना माध्यम लेंगे लाइट का वेग उतना कम होगा, लेकिन जितना कम घना माध्यम लेंगे जैसे मान लो हवा, उसमें लाइट का वेग बहुत ज्यादा होता है, और उसी तरह से वैक्यूम, तो माना जाता है वैक्यूम और हवा में लगभग लाइट का वेग एक ही होता है, एक ही होता है, इसको अप्रोक्स माना गया है 3×10^10 मीटर, ठीक है, 10^8 सेंटीमीटर, ठीक है, या इसी को बोलते हैं 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये भी मीटर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर में रहेगा तो 3×10 होता है। ये क्या है, इसको बोलते हैं सी, सी मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। ये सब थोड़ा सा याद रखेंगे, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एग्जैक्ट फिगर 2.9 ऐसा करके होता है, वो पढ़ाते हुए बताएंगे, ठीक है।
तो ये चीज मैं ऐसे भी चैप्टर वन में बताया था लाइट के बारे में, जब नाइन का चैप्टर, नाइन क्लास में चैप्टर वन पढ़ा रहा था तब बताया था, वो जो मेजरमेंट चैप्टर था कि 1/लाइट का जो स्पीड था उतना समय में जो वे दूरी तय होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है, मीटर स्केल को पढ़ाने का टाइम। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा तुम लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। 2.994567 ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, नॉट पर डिजिट होता है उसमें, ठीक है, इसीलिए इसको अप्रॉक्स 3 ले लिया था। तो थोड़ा सा ये चीज़ हम लोग को पता चल गया। अब क्या देखें, हम लोग बचपन से एक चीज़ सीखे हैं कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट क्या है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइट हमेशा सीधा जाती है। तो सीधा जाती है तो थोड़ा सा मैं पहले, सबसे पहले प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा दूं। प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, समतल दर्पण, उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण में जाएंगे। देखो जो गोलीय दर्पण है वो हमारा सिलेबस में नहीं है, जो जो गोलीय दर्पण है वो सिलेबस में है, लेकिन समतल दर्पण बहुत आगे का चीज है तो सिलेबस में नहीं है, बच्चा वाला चीज है। लेकिन मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देना चाहता हूँ, क्योंकि समतल दर्पण अच्छे से याद रहेगा तो इसको गोलीय दर्पण पढ़ने में सुविधा होगा। समतल दर्पण क्या होता है, एक तो कोई कांच है उसका एक तरफ घिसा हुआ है, मतलब एक तरफ घिसा हुआ है, इधर से अगर लाइट भेजेंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, परावर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर इधर से लाइट भेजेंगे तो परावर्तन होगा। तो ये लाइट आएगा और ये चला जाएगा। एक बात याद रखना, कभी भी लाइट का कोई भी डायग्राम बनाएंगे तो भूल से भी एरो नहीं छोड़ेंगे, अगर एरो छोड़ देंगे तो सारा हमारा गलत हो जाएगा, सब मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा नियम है, ये हमारा क्या नियम है, सरफेस के साथ 90 डिग्री का जो कोण बनाता है इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब या नॉर्मल, ठीक है। तो सरफेस के साथ जो कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, उस रेखा को, उस काल्पनिक रेखा को अभिलंब या नॉर्मल कहा जाता है। अब ये जो रे आ रहा है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जा रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, इसको अगर मैं आई बोलूं और इसको आर बोलूं तो हमेशा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ये क्या है, ये परावर्तन के नियम अनुसार, परावर्तन का जो नियम होता है के नियम अनुसार। तो परावर्तन का दो नियम होता है, क्या क्या एक बार बता दे रहा हूं, ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे, मतलब जैसे मान लो बोर्ड पर से रे आ रहा है और बोर्ड पर ही रे जा रहा है तो अभिलंब भी बोर्ड पर ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये ऐसे है और अभिलंब ऐसे हो गया या एक रे ऐसे हो गया, तिरछा जो होगा सब एक प्लेन पे होगा। एक प्लेन का मतलब क्या है, अगर इससे और इससे सटा के हम लोग कोई एक चीज को रखें तो वो भी इससे सटेगा, या इन दोनों को सटा के रखे तो इससे सटेगा, सब एक प्लेन में होगा। एक प्लेन मतलब जैसे मान लो एक ही दीवार, अगर मान लो हम तीन खंभा गाड़ दिए, तीनों अगर तीनों ऐसे है लेकिन जब इधर से देखते हैं तो तीनों ऐसा दिखता है कि तीनों एक ही लाइन में, तो इसको बोलते हैं एक तल में। लेकिन अगर मान लो हम तीन खंभा ऐसे गाड़ दिए, ये दिख रहा है कि एक तल में लेकिन जब उधर से देख रहे हैं तो ऐसा दिखता है, तो इसका मतलब ये एक तल में नहीं है, एक तल में नहीं हो रहा, एक बार नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक तल। और उसके साथ ही साथ क्या होता है, जिस एंगल से कोई भी किरण आता है उसी एंगल से वो वापस चला जाता है, परावर्तन के फलस्वरूप, ठीक है। एंगल कैसे मापते हैं, नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल बनेगा, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है उसको इंसिडेंट एंगल, और इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित कोण, परावर्तित कोण, और इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये हमारा सिंपल बात है प्लेन मिरर को लेकर। तो यही चीज अगर मान लो हम लोग गोलीय दर्पण में लगाए तो कैसे होगा, तो जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, ये एक तो गोल गोलक है, ये इसका अर्धव्यास होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसका जो स्पर्शक होता है वो अर्धव्यास के साथ हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब मान लो कोई भी एक किरण यहां से जा रहा है, ठीक है, तो कोई एक किरण आके यहां से गया, ठीक है, तो ये इसका आपतित कोण हो गया, तो ये क्या हो गया, परावर्तित, ठीक है।
उसी तरह से अगर मान लो कोई किरण यहाँ आया तो जब यहाँ आएगा तो ये इधर जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक लाइन टर्निंग और ये, तब हमारा ये अभिलंब हो जाएगा। देखो अगर इस पेन से समझ में नहीं आ रहा तो मैं ब्लैक पेन से कर दे रहा, इसीलिए मैं ये प्लेन मिरर को समझाया। प्लेन मिरर क्यों समझाया? क्योंकि जैसे मान लो ये हमारा एक मिरर, तो जब एक किरण यहाँ से आ रहा है यहाँ चला जा रहा है, क्यों यहाँ से जा रहा है? क्योंकि यहाँ से अगर एक हम ऐसे सर्फेस ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री रेखा और ये एंगल और ये एंगल बराबर। उसी तरह से मान लो कोई किरण ऐसे आया, ठीक है, तो ऐसे आया, ऐसे आके मान लो ये इधर चला गया, तो इसका मतलब क्या? अगर ऐसे हम लोग लेंगे तो देखेंगे ये अभिलंब, ठीक है, ये थोड़ा सा ड्राइंग अच्छे से, ठीक है, अब मैं बड़ा करके बनाऊंगा तो अच्छे से समझ, ठीक है। तो जिस तरह से प्लेन मिरर में समतल दर्पण में अभिलंब से बराबर कोण पे आता है, बराबर कोण पे चला जाता है, उसी तरह से गोलीय दर्पण में भी ये चीज होता है। अब हम लोग जब करेंगे तो समझ में आएगा, यही कारण था कि मैं थोड़ा सा तुम लोगों को प्लेन मिरर बता दिया। अब चलो गोलीय दर्पण में चलते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है ये बता, एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान लो कांच का एक गोलक है, कांच का एक खोखला गोलक हम लोग ले लिए, ठीक है, कांच का मान लो एक खोखला गोलक है, ठीक है, इसको काट दिए, तो कैसे काटे? मान लो इस तरह से काट दिए, ये हम लोग बहुत सारा टुकड़ा कर लिए, जैसे मान लो यहां से एक टुकड़ा कर लिए, 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 ठीक है, तो हम लोग इतना सारा टुकड़ा किया। अब इस टुकड़ा में से मान लो हम लोग सिर्फ ये दो टुकड़ा लिए, अब ये दो टुकड़ा को लेकर हम लोग बात करेंगे, बाकी टुकड़ा को भी हटा दे रहे हैं, ठीक है, कैसे टुकड़ा काटे? तो एक्चुअली में ये लाइन तो हमको देखने के लिए रह रहा है, वो खोखला दर्पण कैसा होगा, एक देखने में ऐसा रहेगा और एक देखने में ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या किए, इसको इधर पेंट कर दिए। पेंट करने का मतलब क्या होता है, इधर ऐसा पेंट कर दिए कि अगर इधर से कोई किरण आएगा तो परावर्तित होगा, लेकिन इधर से आएगा तो परावर्तित नहीं होगा, और उसी तरह से एक को इधर कर दिए, ठीक है, इसका अंदर पेंट किए, इसका बाहरी भाग में पेंट किए, तो इसका बाहरी भाग रिफ्लेक्टिंग हो गया, बाहरी भाग परावर्तन दर्पण होगा, बाहरी भाग दर्पण का काम करेगा, तो जिसमें बाहरी भाग दर्पण का काम करता है, जिसका उभरा तल दर्पण का काम करता है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है, और जिसका अंदर का भाग परावर्तन का काम करता है इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अगर मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा तो देखो, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से परावर्तन हो सकता है उसको मैं ब्लू से पेंट कर दे रहा हूं, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है, ये अंदर में पेंट किया हुआ, इधर पेंट किया हुआ है, और इसमें क्या हुआ है, बाहर की तरफ पेंट किया हुआ है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो जिसका भीतरी भाग रिफ्लेक्टिंग हो, जिसका भीतरी भाग चिकना हो, परावर्तक हो, जहां से परावर्तन होता है, और पीछे का भाग किसा हुआ उसको अवतल दर्पण, और इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। इस तरह से एक गोलक को काट के बनाया जाता है, इसीलिए इन दोनों दर्पण को ही बोला जाता है गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। क्यों? क्योंकि गोलक द्वारा काट के बनाया जाता है, और ये गोलक किस चीज का बना होता है, हमेशा कांच का, दर्पण हमेशा ज्यादातर कांच से ही बना होता है, और मर्क्यूरी कार्बोडाइट या बहुत तरह से मर्करी का बहुत सारा, या सिल्वर का, मर्करी और सिल्वर के मिला हुआ कुछ चीज से पेंट करके उसको पारदर्शक बनाया जाता है, ठीक है। दर्पण जब भी होगा तो वो होगा पारदर्शक, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर और इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बात जानना होगा। एक्चुअली में हम लोग क्या किए थे, ये हमारा जो दर्पण है ये एक ठो बड़ा स्फीयर, ठीक है, इस बड़ा स्फीयर का मान लो हम लोग कोई एक ठो भाग ले लिए थे, ये वाला, ठीक है। तो इस दर्पण का अगर हम लोग पूरा, मान लो ये हमारा दर्पण, ये जो है हमारा, ये जो डॉटेड भाग है ये हम समझने के लिए बनाए, लेकिन एक्चुअली हमारा दर्पण ये, ठीक है, ये होगा, ठीक है।
तो ये हमारा इतना दर्पण है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो दर्पण है ये किसका भाग है, इस स्फीयर का भाग है। तो इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, सेंटर होगा केंद्र, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको कैसे हम लोग ये बोलेंगे, बोलेंगे जो गोलीय दर्पण है वो जिस गोलीय या जिस गोलक का जिस गोलक से बना हुआ है उस गोलक के केंद्र पर ही इसका वक्रता केंद्र मौजूद होता है, ठीक है। ऐसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद ये जो यहां से लेके यहां तक है इसको बोलते हैं कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद देखो ये लाइन जो अर्धव्यास का काम कर रहा है इसको हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर से लिखते हैं और बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इसके बाद देखो ये जो केंद्र है ये आके यहाँ पर एक विशेष स्थान पे मिल रहा है, इसको बोलते हैं पोल, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये केंद्र और रेडियस ऑफ पोल के एकदम बीचों बीच एक बिंदु होता है, इसको बोलते हैं फोकस। इसका कोई हिंदी नाम नहीं होता है, इसको इंग्लिश में भी फोकस बोलते हैं और हिंदी में भी फोकस ही बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, फोकस, ठीक है। तो क्या होता है, मिरर जिस गोलक का बना होता है उस गोलक के केंद्र पर ही मिरर का भी केंद्र होता है और उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। जैसे ये मिरर को मान लो हम लोग इधर पेंट किए तो ये कौन सा मिरर हो गया, हमारा हो गया उत्तल दर्पण। और जैसे इसका पेंट हम लोग इधर से हटा के अगर हम लोग इधर पेंट किए होते तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो एक ही नियम से अवतल दर्पण का भी केंद्र निकलेगा, उत्तल दर्पण का भी केंद्र, बस इसमें इधर पेंट है उधर पेंट है, हमेशा वो रहेगा भीतर के तरफ। तो जो इसका केंद्र होगा इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, जो इसका बीच वाला बिंदु होगा एकदम मिडिल उसको बोलेंगे पोल ध्रुव, और इन दोनों के बीच का बिंदु को बोलेंगे फोकस, ठीक है। और इस दूरी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस दूरी को मैंने फोकस से इसका दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको एफ से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ, एफ ओ सी एल फोकल लेंथ, ठीक है। इसको एफ से डिनोट करते हैं, जैसे इसको आर से डिनोट करते हैं इसको एफ से। ये कुछ जरूरी बातें हैं मिरर में, तो थोड़ा ये सब जानते रखना होगा। उत्तर गोलीय दर्पण क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गोला का एक भाग होता है। उत्तल दर्पण कौन होता है, जिसका ऊपरी भाग उभरा हुआ भाग रिफ्लेक्टिंग होता है, पारदर्शक होता है, और भीतरी भाग पेंट किया हुआ होता है, ठीक है, घिसा होता है। और जिसका बाहरी भाग घिसा हुआ और भीतरी भाग पेंट किया हुआ उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये दोनों क्या है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण हिंदी में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इसमें स्फेरिकल मिरर का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या होता है, ये जो मिरर है जो भी मिरर है उसका जो सबसे मिडिल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पोल, और इसका जो रेडियस होता है ये जिस गोला का पार्ट है उसका रेडियस के बराबर यहाँ ले जाएंगे तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस दूरी को बोलते हैं रेडियस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस दूरी के बीच का भाग को इसको बोलते हैं एफ, ठीक है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ये क्या हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस बिंदु को बोलते हैं फोकस, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं पोल, ठीक है, और ये कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है, ठीक है, वक्रता, और इसको हिंदी में त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा हिंदी में तुम लोग बुक से पढ़ना समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, ठीक है। बस इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा फॉलो कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, इन दोनों मिरर में कुछ खास बात होता है, मैं तुम लोगों को थोड़ा बता रहा हूँ कि जब हम लोग समानांतर किरणों को भेजते हैं तो इन दोनों मिरर में कुछ बदलाव होता है, कुछ गजब सा चीज देखने को मिलता है, वो अब हम लोग थोड़ा सा चाहिए। आप थोड़ा
अच्छा, ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स मिरर। इसका मतलब क्या हो गया? उत्तल दर्पण, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। लेकिन एक बात याद रखना, एग्जाम में अगर ऐसा दिया रहता है, ये अभी अवतल दर्पण नहीं हुआ है, सिर्फ लिखने से ये अवतल हुआ है। जब भी हम लोग अवतल दर्पण बनाना चाहेंगे तो एक चीज कभी भी नहीं भूलेंगे, यहाँ पर जरूर ऐसे ऐसे कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? बाहरी भाग पेंट, और इसमें क्या करेंगे? ऐसे ऐसे करेंगे। इसमें क्या हो रहा है? भीतरी भाग पेंट, ठीक है। तो इन दोनों मिरर का विशेषता देखेंगे हम लोग क्या किए हैं। अच्छा, एक चीज पहले दिखा दो, किस तरह का मिरर में हम लोग कैसे निकालेंगे वो नॉर्मल अभिलंब कैसे निकालेंगे। मान लो हमको इस बिंदु पर अभिलंब निकालना, तो यहाँ से हम लोग एक स्पर्शक खींच दी और यहाँ से एक लाइन डालेंगे सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा 90 डिग्री, यही अभिलंब कह रहा है। अब क्या होगा अगर एक किरण हम लोग मान लो ऐसे भेजे, तो ये यहाँ जाकर टकराएगा तो फिर इधर आएगा। कैसे? क्योंकि ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होना चाहिए, ये आई हो गया ये आर। उसी तरह इसमें क्या होगा? इसमें ये देखो, ये इसका बिंदु अंदर में, तो इसका मान लो हम लोग यहाँ पर, ये हमारा मान लो रेडियस, ये रेडियस थोड़ा और बड़ा होगा इसका, मान लो ये रेडियस, ठीक है। तो मान लो कोई किरण आके यहाँ पर टकराया, ठीक है, तो ये कैसे जाएगा? देखो ये रेडियस क्या होगा, ये एक्चुअली में रेडियस ऐसे, तो ये इस एंगल पर आया था तो इसी एंगल पर चला, क्यों? क्योंकि जिस एंगल पर आएगा उसी एंगल पर जाएगा। तो ये तुम्हारा आई हो गया और ये हो गया आर। इसमें भी एंगल आई बराबर एंगल आर, और इसमें भी होगा एंगल आई बराबर एंगल आर। हम लोग थोड़ा सा सीख लिए कि गोलीय दर्पण में अभिलंब कैसे निकालें, ठीक है। तो इसका अभिलंब हमेशा कौन सा होगा? ये वाला। ये अभिलंब क्यों रहा है? क्योंकि ये हमेशा रेडियस है, त्रिज्या है। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, स्फीयर कोई भी हो तो उसका त्रिज्या और स्पर्शक के बीच में 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमारा त्रिज्या हमेशा क्या होगा? अभिलंब का काम करेगा, और यहाँ से ये यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभिलंब हुआ और यहाँ पर ये, ठीक है। ये थोड़ा सा एकदम अच्छे से ख्याल रखना, देखो ये सब चीज एक बार अच्छे से समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, काफी आसान चीज है लाइट, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अब देखो मैं इन दोनों के बारे में जो बता रहा हूँ, तो मान लो ये हमारा एक तो क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है, और इधर हम बना दिए एक तो उत्तल दर्पण, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम लोग इस पर भी क्या किए? समानांतर किरणें भेज दिए, इस पर समानांतर किरण और इस पर भी समानांतर किरण। देखो समानांतर किरण भेज के आराम से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा मिरर क्या है। तो जैसे ही समानांतर किरण भेजेंगे, ये किरण यहाँ आएगा, ये भी यहाँ आएगा, ये भी यहाँ आएगा, ये भी यहाँ आएगा, ये भी यहाँ आएगा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन गया है कौन आया है, इसीलिए एरो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये यहाँ से गया इधर आ रहा है, यहाँ से गया इधर आ रहा है, ये इधर से गया इधर आ गया, ये इधर से गया और इधर रिटर्न हो रहा है, फिर ये इधर से गया, तो सारा किरण आके एक ही बिंदु पर मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस ये कौन सा बिंदु होगा? ये होगा फोकस, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये क्या होगा? यहाँ से बिखर जाएगा, ये यहाँ से बिखर जाएगा, ये सीधा रिटर्न चला जाएगा, ये भी थोड़ा यहाँ से बिखर जाएगा, ये भी। और जब इसको हम डॉट करके मिलाएंगे तो देखेंगे सब जाके एक ही जगह पर मिल जाएगा, क्या दिखेगा कि सब एक ही जगह पर, उल्टा करने से सब एक ही जगह पर जाके मिल जाए। ये किरण यहां से आता है, यहां से आता है, यहां से आता है, यहां से आता है, यहां से। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, सारा किरण आके एक जगह पर केंद्रित हो जा रहा है, और यहाँ पर सारा किरण इस जगह से बिखरता हुआ लग रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है,
सारा किरण स्प्रेड आउट हो जा रहा है और इसमें क्या हो रहा है, सब आके एक जगह मिल जा रहा है, सब आके एक जो पॉइंट मिल जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। इसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर क्यों, क्योंकि सारा किरण को एक जगह कन्वर्ज करता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। इसको अपसारी अभिसारी कुछ बोलते हैं, थोड़ा सा उसको देख लेना, मेरे को याद नहीं रहता ये सब, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा मेरे लिए कठिन हो जाता, मैं इंग्लिश में शुरू से ये सब पढ़ा हूँ, सिर्फ इंग्लिश में मेरे लिए आसान था। तो याद रखना, हमेशा अवतल दर्पण को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्यों, क्योंकि ये समानांतर किरणों को एक बिंदु से बिखेर देता है, कहाँ से, फोकस से बिखेर देता है, और ये क्या करता है, समानांतर किरणों को लाके फोकस पर इकट्ठा कर देता है, ठीक है। ये हमारा लाइट को लेके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्फेरिकल मिरर को लेकर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ चीज होगा, इसके बाद क्या होगा, कौन सा चीज कहाँ पर रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा, ठीक है। इसमें तुम लोगों को 5 तरह का इसमें दिया रहेगा या 6 तरह का इसमें और 2 तरह का इसमें, इसको तुम लोग थोड़ा सा घर में पढ़ना। उसके बाद है कि कौन सा मिरर का कौन सा यूज है। देखो समतल दर्पण में क्या होता है, हम लोग जितना बड़ा आदमी है वो खड़ा होगा, जैसे मान लो समतल दर्पण में क्या होता है, एक इतना बड़ा आदमी है, ठीक है, तो ये इतना बड़ा ही दिखेगा इधर, ठीक है। इसका हाइट में, इसका हाइट में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों मिरर में क्या होता है, कभी छोटा कभी बड़ा कभी दूर कर, इस तरह से चेंज होते रहता है। तो कभी भी मान लो ऐसा तुम लोग एग्जाम में आ जाए कि किस दर्पण में वस्तु का आकार ये हमेशा एक समान रहता है, तो समतल दर्पण में। इस दर्पण में क्या होता है, इसमें कभी कमेगा कभी बढ़ेगा कभी बराबर भी हो जाएगा, तो कब कमेगा कब बढ़ेगा कब बराबर होगा ये सब चीज अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और याद रखना दो तरह से बनता है मिरर, एक होता है एक्चुअल रे, जैसे मान लो एक रे ऐसे गया और एक रे आके इससे मिल गया, तो ये एक्चुअल रे मिल रहा, और एक रे क्या होता है, मान लो एक ऐसे आके मिला और एक चला गया, मान लो इधर से ऐसे चला गया, तो ये डॉट मैंने लगेगा कि यहां से ये दोनों आ रहा है, तो ऐसे डॉटेड लाइन से जो बनता है इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, हिंदी में बोलते हैं इसको काल्पनिक प्रतिबिंब, और ये जो एक्चुअली में मिलता है एक्चुअल किरण मिलने से इसको बोलते हैं एक्चुअल इमेज या रियल इमेज, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोगों का बुक में दिया हुआ है, इस पर कुछ मिरर का इमेज और इस पर कुछ इमेज, उसको तुम लोग अच्छे से पढ़ना, इस मिरर का कहां उपयोग है, इस मिरर का कहां उपयोग है, उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि तुमने एक बार अच्छे से पढ़ लोगे और कुछ क्वेश्चन करोगे तो हमको पढ़ाने में मजा आएगा। तो सबसे पहले ये सारा जितना पढ़ा है इसको अच्छे से वीडियो देख के एक बार दो बार तीन बार जितना बार मन करे देख लेना, और देखने के बाद तुम लोग काम क्या है कि कॉनकेव मिरर में कौन सा वस्तु को कहाँ रखने से किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और इसमें किसको रखने से कहाँ बनता है। जैसे मान लो मैं इसमें एग्जाम्पल दिखा रहा है, एक तो दिखाएगा कि कॉनकेव मिरर में इंफिनिटी पर रख देंगे तो बहुत छोटा बनेगा, एक तो दिखाएगा कि इसको मान लो सेंटर पर रख देंगे सी पर और ये एफ है, तो अगर मान लो ऐसे रखे तो एक जैसा ही एक तो यहाँ पर इमेज बनेगा और उल्टा, जैसे मान लो ये ए बी है तो इमेज हमारा बनेगा बी ए, जैसे मान लो एक सीधा आदमी खड़ा है, ठीक है, कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो ये क्या करेगा, उल्टा एक तो आदमी खड़ा जैसा दिखेगा, कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। और कभी भी रियल इमेज डायरेक्ट आंख से नहीं दिखता है, स्क्रीन पर देखा जाता है, और वर्चुअल इमेज डायरेक्ट आंख से दिखता है। इतना सब चीज को तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, बढ़िया सा बुक पढ़ना, पहले मेरा वीडियो को 2-3 बार या एक बार जितना बार तुमको समझ में आ जाए अच्छे से देख लेना, और उसके बाद पूरा बुक पढ़ लेना, और जिसको जो कन्फ्यूजन होगा आपको बोलना, ठीक है। उसके बाद हम इस क्लास को और करा के कम्प्लीट करेंगे। तो जैसे इस स्फेरिकल मिरर हम लोग खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग ये रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, परावर्तन माने लाइट जाके फिर रिटर्न आ जा रहा है, कोई भी इसमें एंटर नहीं कर रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्तन, वर्तन में एंटर करता है दूसरा मीडियम में, यहाँ पर क्या हो रहा है, हवा में जा रहा है, फिर हवा में रिटर्न जा रहा है, रिटर्न इस मिरर के अंदर किरण नहीं घुस रहा है, ठीक है। द रेज आर नॉट एंटरिंग इन द सरफेस बट आफ्टर दैट इन रिफ्रैक्शन वी विल स्टडी दैट द रे आर एक्चुअली एंटरिंग इन द अदर मीडियम, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आज हम लोग क्या पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, किसके द्वारा, बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। चलो तब इसको तुम लोग अच्छे से देख लेना, इसके बाद फिर बाद में होगा जो होगा।